शार्क्स, आज हम पूरी तरह से केमिकल से सराउंडेड हैं. हम केमिकल्स खाते हैं, पीते हैं, हम डेली यूज करते हैं. सो केमिकल्स हमारे लिए अच्छे हुए ना, बट एक बज़वर्ड है जो आज की डेट में बहुत फेमस है. कैन यू गेस दैट फॉर अस? नेचुरल ऑर्गेनिक. दैट्स राइट. सबको लगता है नेचुरल सेफ है, बट सवाल ये है क्या नेचुरल इफेक्टिव है? क्या सारे केमिकल्स बुरे हैं? शार्क्स, वी बिलीव केमिकल्स अच्छे हैं एंड लाइफ इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम प्रखर माथुर है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम रॉबिन गुप्ता है, मैं अलवर राजस्थान से हूँ एंड हम हैं फाउंडर्स कॉन्शियस केमिस्ट के. सो शार्क्स, कॉन्शियस केमिस्ट एक साइंस बैक्ड इनोवेटिव ब्रांड है जिसमें हम सॉल्यूशंस बनाते हैं कई स्किन कंसर्न्स के लिए, जो कि 80% से ज्यादा हिंदुस्तानियों को इफेक्ट करता है. हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट सुपरविजन में और हाई क्वालिटी एंड इनोवेटिव इंग्रेडिएंट्स से बनाए जाते हैं, जो कि बिगनर फ्रेंडली होते हैं एंड बेहद इफेक्टिव होते हैं. इससे हम अब तक 3 लाख से ज्यादा इंडियन कंज्यूमर्स की स्किन हेल्थ को इम्प्रूव कर चुके हैं. हमारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट और कई प्रोमिनेंट मार्केट प्लेसेस जैसे Amazon, Nykaa, Flipkart पे हम सेल करते हैं. शार्क्स, इसके लिए हमारा आस्क है 60 लाख रुपीज पर 2% इन अ कंपनी. तो चलिए केमिकल्स से फिर से दोस्ती करते हैं. Amazing. Awesome. Thank you. मैंने कॉन्शियस केमिस्ट के बारे में पहली बार सुना था जब एक इन्फ्लुएंसर हु इज वेरी बिग पर्सनली टोल्ड मी कि उनके तब 2 प्रोडक्ट आते थे शुरू में, शायद 3 प्रोडक्ट आते थे शुरू में. शी कॉल्ड मी अप एंड शी टोल्ड मी कि ये वाले ब्रांड को देखना फ्रॉम एन एक्विजिशन पर्सपेक्टिव अगर यू नो एट सम पॉइंट, बिकॉज चलो आमना सामना हो गया, देख लो. सो आई जस्ट वांट टू से दैट मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी इज गुड, बट कैसे आपने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए वो आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? तो विनीता, हमें एक टिपिकल प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन बनाने में हम टिपिकली 40-50 आइट्रेशंस लगते हैं. सो हम ग्राउंड अप से, स्क्रैच से, मैन्युफैक्चरर के साथ, इंडिपेंडेंट R&D एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हैं टू डेवलप फॉर्मुलेशंस, जिसमें हमारे पास 29 यूनिक SKUs हैं जो एड्रेस करते हैं डिफरेंट कंसर्न्स, जैसे हाइपरपिगमेंटेशन है, एजिंग है, एक्ने है. देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड केराटोसिस पिलारिस जो मुझे भी आर्म्स पे था, बट आई कुडंट फाइंड एन OTC सॉल्यूशन फॉर दैट. So scars, stretch marks. So it took a lot of time. और काफी हमें मेहनत लगी है उसको बनाने में. तो दिखाना चाहिए. Products दिखाना चाहेंगे, of course. You can choose anyone. This is an exfoliating peel. ये exfoliating peel. Can you talk in Hindi? You can try the sun ray, the yellow one. I love your packaging. Thank you. Skin care brands की बहुत boring packaging होती है, तो look you know trustable but sure. still fun. Correct. बहुत tough होता है, so I think the logo packaging is amazing. सनस्क्रीन का एक कॉम्प्लीमेंट देती हूँ, दिस इज SPF 50 एंड SPF 50 मोस्ट ऑफ द टाइम इतना जल्दी अब्सॉर्ब नहीं होता है. दिस अब्सॉर्ब ब्यूटिफुली, थैंक यू, हाइड्रेटेड माय हैंड्स एंड यू नो इट डजंट हैव दैट केमिकल ओडर. कमाल है, क्या क्या तेरे को पॉजिटिव वो मिल रही है, माय गॉड, क्रेजी. वैलिडेशन तो आपका प्रोडक्ट का दोनों सुंदरियों से हो गया. वेरी गुड प्रोडक्ट, थैंक यू. इसको जिस तरह से मैंने खोला, I just love the feeling of ripping this off and open. So much love. But ek product acha hai, samajh aa gaya. Ab ye bata, tum dono kya karte ho? Ki tu hi bol raha hai, ye nahi bol raha. So Sharks, main D2C marketplaces aur marketing manage karta hu. Main product dekhta hu, main investor relations manage karta hu. Investor relations, that means already you have investors. Yeah. Okay. So aur he's the CEO. Aap CEO? Yeah. ठीक है, अब बताओ सेल्स कितनी है? तो लास्ट मंथ हमने अराउंड 85 लाख रुपीस क्रॉस किया है. नॉट बैड. एंड अराउंड 65 लाख रुपीस नेट रेवेन्यू किया है आफ्टर GST एवरीथिंग. सो लास्ट ईयर हमने अराउंड 4.5 क्रोर्स नेट किया था. ओके, जिसमें 65 लाख रुपीस का एबिटा नेगेटिव थे हम. ओके, नॉट बैड, ब्रेक इवन. दिस ईयर वी हैव ऑलरेडी डन 3.6 क्रोर्स और इस साल का टारगेट है 9 crores क्लॉक करने का. और प्रॉफिट कितना होगा उसमें या नहीं होगा? अभी लास्ट मंथ हमारा ब्रेक इवन हुआ है. तो इस साल प्रॉफिट नहीं होगा. या कहां से आएगा मार्जिन? सो हमने पैकेजिंग में थोड़े चेंजेस किए हैं. अच्छा. हमारे ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव किए हमने और हमारी मार्केटिंग कॉस्ट हमने ऑप्टिमाइज किया है. दूसरी बात, हमने अभी ऑफलाइन स्टार्ट किया है
सो हम ऑफलाइन पार्टनरशिप्स बिल्ड कर रहे हैं. गॉट इट. इन्वेस्टर्स वैल्यूएशन? सो हमने फर्स्ट राउंड सितंबर 21 में किया था एट अ 9 करोड़ प्री मनी. हां जी. हमने 3 करोड़ रुपए रेज किए थे. वाओ ओके. और अभी हमने 25 करोड़ पे ये ब्रिज छोटा सा राउंड किया जिसमें हमने 76 लाख रुपीस रेज. बस या नाम बता देना. लोटस हर्बल्स एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स. दिल्ली बेस्ड. ब्रिज राउंड का आपने जो लिया है कन्वर्टेबल है आगे? या कन्वर्टेबल नोट एक उस प्रकार का डेट होता है जो कंपनी शुरू में लेती है जब वैल्यूएशन डिटरमिन करना आसान नहीं होता. जब उसकी वैल्यूएशन डिटरमिन हो जाती है आगे तो ये डेट कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी के अंदर. इसी को कन्वर्टेबल नोट कहते हैं. 76 लाख जो उठाए इक्विटी में वो क्या ये वाले पैसे थे कि अगर ये नहीं उठाए तो कंपनी बंद हो जाएगी? सो हमारा थोड़ा कैश सिचुएशन था. So that's why we had to raise this capital. अभी बैंक में कितना पैसा? 70 lakhs, 65-70 lakhs है. अगर आप जैसे बर्न रेट पे हो, आपको तो जल्दी इन्वेस्टमेंट उठानी पड़ेगी बॉस. करेक्ट जी. रनवे शॉर्ट. हमारे पास है अराउंड 7-8 मंथ्स का रनवे. इन नेक्स्ट 5 मंथ्स यू कैन गो बस्ट? आई डोंट थिंक सो. व्हाई? क्यों? सो हम अमन ऑफलाइन पार्टनरशिप्स जैसे मैंने कहा हम ऑफलाइन और बड़ा गेम होता है. ऑफलाइन में तो पैसे वापस आने भी बहुत टफ होते हैं. ऑफलाइन में क्या होता है ना, अगर तेरा माल तूने भेजा है और ना बिके तो वापस आता है और ऐसी गंदी हालत में आता है कि वापस भी नहीं होता. देखिए आपके पास दो पड़ाव है, पहले प्रॉफिटेबल होना है फिर वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव. तो कब तक होगे? वी आर आल्सो एक्सप्लोरिंग सम मोर कैटेगरीज एंड B2B पार्टनरशिप्स जिससे हमें कैश फ्लो आएगा. यू आर ट्राइंग न्यू कैटेगरीज. एवरी न्यू कैटेगरी जिसमें तुम घुसते हो उसमें पैसे लगते हैं. हमारा मैं बताता हूँ, हमने हेडफोन में मस्त प्रॉफिटेबल ब्रांड बनाया था, मस्त चल रहे थे. हमने वेरेबल में वो किया, अब हम पैसे लगा रहे हैं. मे बी वी डू लॉसेस बट कैटेगरी में, नई कैटेगरी में जाने के लिए तुझे पैसे लगाने पड़ेंगे. करेक्ट. नई कैटेगरी में इस टाइम पे जाना तो इज लाइक द वर्स्ट डिसीजन. बट लोटस नहीं हेल्प करेगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन? हम करवाना नहीं चाहते अभी. व्हाई नॉट? वो करना नहीं चाहते या वो आपको पैसे दे रहे हैं आप लेना नहीं चाहते? नहीं, वो हमें पैसे दे रहे हैं हम लेना नहीं चाहते. कुछ टर्म्स हैं जिस पे हम रीच नहीं कर पा रहे कंसेंसस पे. देयर यू. तुमने इतनी कैटेगरीज कर ली, इतना कुछ कर लिया, क्रैक कहां मारा है? तुमने एक जगह बताओ जहां तुमने बोलो कि यहां मैं क्रैक मारा है. सो आई थिंक पहले प्रोडक्ट चैंपियन हमें करना था, राइट? और हम साथ साथ अपना टीम बिल्डिंग भी कर रहे हैं. इन्फैचुएटेड बाय प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट अच्छा कर लिया, बाकी चीज भूल गए. नो नो, वी आर पीस. वी आर इन्फैचुएटेड बाय स्केल. मतलब स्केल हमें एक्साइट करता है, बट उसके लिए हम काम कर रहे हैं और डेफिनेटली वो स्केल आएगा इन द. तो अभी तक तुमने कहीं नहीं फोड़ा एक्सेप्ट प्रोडक्ट्स? दैट्स फॉर यू. आप मतलब डिसाइड करिए. वो चलिए, फॉर व्हाटएवर रीजन आप ये 9 करोड़ के आगे स्केल नहीं कर पा रहे हो, रन आउट ऑफ मनी, तो अभी हमें इसमें क्या करना है? यू थिंक यू कैन हेल्प देम? कि क्वेश्चंस है, डिसीजन बनाना है. क्वेश्चंस है मतलब अभी से एकदम से ऐसे प्रेशर मत मालो डिसीजन लेने का. प्रेशर नहीं बना रहा हूं, मैं तो अभी तक बात ही कर रहा था, बीच में आ गए बस क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे इसलिए मैं बोल रहा हूं. किस आपके उस तो इतने तो पूछे. सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसने पूछे यहां? भाई ने. He doesn't have an answer to your questions. They are rhetorical questions. Rhetorical? Can you talk in Hindi? Why? What does rhetorical mean? I don't know. मतलब they are questions that you have answers of already. Am I mad? I think हम लोग आगे, हम लोग बात कर सकते हैं आगे. क्योंकि आगे भी बढ़ना है ना बॉस. आगे बढ़ो. So first and foremost, आपके sunscreen देख के I got excited कि we have a really great product. लेकिन इन स्पाइट ऑफ आपका इतना रनवे कम है और आपका लास्ट ईयर 4.5 crore सेल्स है, ये साल तो बनेगा 9 crore. इतने छोटे स्केल पे आपके ख्वाब है प्रोडक्ट एक्सपांशन एंड गोइंग ऑफलाइन. ऑफलाइन इज सुसाइडल आपके लेवल पे. बहुत आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. आई थिंक यू नीड टू गो मिनिमलिस्ट इन योर थिंकिंग फर्स्ट. ठीक है. So I think I'm nervous as an investor because आपको आपकी strategy में बहुत confusion है. Work on that please. I'm out. Thank you. Thanks. आपने product बहुत अच्छा बनाया, brand बहुत अच्छा बनाया, पर आपकी distribution strategy messed up है. तो आपको इसको marketplaces and quick commerce पे बहुत बड़ा business बनाना है. ये आपकी team की deficiency है.
जो आपको सॉल्व करनी है. जब तक आप ये नहीं सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट एंड ब्रांड के बलबूते पे आप बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते. तो इस वजह से आई एम आउट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. थैंक यू. जो मैं अभी तक ढूंढ नहीं पाया ना, वो था कि अपन ने बोला प्रोडक्ट इतना अच्छा है, उसका प्रूफ पॉइंट मेरे को नंबर्स में कहीं मिल नहीं पा रहा है ना. दैट्स पॉइंट वन. सेकेंड इज अबाउट कंज्यूमर, तुमने बात ही नहीं कर रहे. तो एक जो मेरे को लगता है ना, फाउंडर का पागलपन होता है कि हाँ यार मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा, इतना इफेक्टिव, इसलिए चलता है. और एक बंदा फिर प्रमोटर बन जाता है, ब्रांड लव मिलता है, वो मुझे आज मिला नहीं. आज मैं बाहर हूँ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू. आई एम आउट. आपका बिजनेस आपका सॉलिड, सब कुछ सही है. बिजनेस ऑफिसर रखो जिसका दिमाग चले आपको और कैसे बेचना है. अगर आपके पास सुपर प्रोडक्ट है, सुपर सेल्समैन चाहिए, सुपर सेल्समैन रख लो एक. श्योर. थैंक यू. थैंक यू. आप आए बड़े स्ट्रॉन्ग, राइट? वी ऑल गॉट वेरी एक्साइटेड. श्योर. प्रोडक्ट पैकेजिंग देखकर, बट यू नो इन बिजनेस बेस्ट प्रोडक्ट डज नॉट ऑलवेज विन. ऑफ कोर्स. आपने आज ऐसा कुछ नहीं कहा दैट इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी दैट विल हेल्प यू ब्रेक अवे कि आप आज यहाँ हैं तो नेक्स्ट कहाँ पहुंचो. मैं एक फाइनल क्वेश्चन आपको पूछता हूँ. श्योर. लोटस के टर्म्स क्या हैं? उसमें उन्होंने वैल्यूएशन थोड़ा वीक दिया था. कितना दिया था? दैट वाज अराउंड 18 करोड़. कितना पैसा डाल रहे थे? वो डाल रहे थे अराउंड 2.5 करोड़. आप कितना ओन करते हो आज? 51% मैं ओन करता हूँ, प्रगर 17% ओन करता हूँ. सो यू स्टिल हैव 70% ऑफ द कंपनी. या मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, अगर हो सके तो वापस जाइए और वो ऑफर लीजिए. एंटी डाइल्यूशन किक इन होगा, थोड़ा और डाइल्यूशन होगा, लेकिन अगर आप बिजनेस बना पाते हो, जो मुझे नामुमकिन लग रहा है, कोई इसको फंड नहीं करने वाला है ब्यूटी स्पेस में ये स्केल पे विथ नॉन क्लियर डिफरेंशिएशन, यू आर नॉट गोइंग टू गेट फंड. जो 2.5 करोड़ मिल रहा है, बी स्मार्ट, बी अ बिजनेसमैन, नॉट अ प्रोडक्ट क्रिएटर ओनली. ले लीजिए वो पैसा, आपको एक साल मिल जाएगा शायद कुछ करने के लिए, अदरवाइज यू आर डन. गुड लक. आई एम आउट. थैंक यू. गुड लक रॉबिन. थैंक यू. बाय. थैंक यू.